घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक कौन सा इतिहास रचने वाली है प्रभास की फिल्म सलार? क्या है सलार के ब्लैक मैजिक का राज? क्या सलार फिल्म में नहीं है इमोशंस के लिए थोड़ी सी भी जगह? दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। दोस्तों, डार्लिंग निकनेम से फेमस प्रभास अपनी सलार फिल्म के रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड ब्रेकर प्रभास के नाम से फेमस होने वाले हैं। साथ ही इस फिल्म के जरिए वो फिल्मी दुनिया में एक अलग ही इतिहास रचने वाले हैं। लेकिन कैसे, क्या आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं? तो आपको ना ये वीडियो लास्ट तक देखना ही होगा। दोस्तों, सलार फिल्म का बज और क्रेज ऑडियंस के बीच में इतना ज्यादा बढ़ने लगा है कि इसे रिलीज करने से पहले से ही इसे करोड़ों की डील ऑफर हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime ने सलार फिल्म के मेकर्स को 100 करोड़ से ज्यादा की डील ऑफर की है। इसी के साथ साथ सलार फिल्म को जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शूट किया गया है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग इतिहास रचने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सलार फिल्म को काफी पॉपुलर डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी के साथ शूट किया जा रहा है। फिल्म के मेन पार्ट में डार्क शेड के सीन होंगे। सलार फिल्म की ये टेक्नोलॉजी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। कई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे कि टेनेट, बैटमैन ट्रायलॉजी और मैट्रिक्स जैसी पॉपुलर डार्क सेंट्रिक थीम टेक्निक का इस्तेमाल करके शूट किया गया था। वेट, मुझे लगता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये DCT यानी डार्क सेंट्रिक थीम है क्या? तो आपको बता दूं कि DCT टेक्निक में फिल्म में डार्क शेड के विजुअल होंगे, लाइटिंग पैटर्न और कलर पैलेट का रंग भी गहरा होगा। इस तरह की डार्क सिनेमेटोग्राफी का इस्तेमाल आमतौर पर क्राइम और हॉरर मूवीज में किया जाता है, जो कि आपने देखा भी होगा, जिसमें सिनिकल डिस्क्रिप्शन होता है जहां ज्यादातर बैकग्राउंड डार्क कलर्स में होते हैं और स्क्रीन पर कैरेक्टर लाइट कलर के होने जरूरी होते हैं। इस फिल्म में जिस तरह के हाई वोल्टेज एक्शन पैक सीन्स दिखाए जाने वाले हैं, वो सभी डार्क थीम में सिर्फ ब्लैक और ग्रे विजुअल के जरिए नजर आने वाले हैं। कलर सिनेमा के इस जमाने में प्रभास का ये ब्लैक मैजिक फैंस के ऊपर एक अलग ही असर करने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म में सिर्फ हीरो यानी प्रभास ही हाई एक्शन मोड में नजर नहीं आएंगे, बल्कि उनके लव इंटरेस्ट का किरदार निभा रही श्रुति हसन भी काफी सारे हाई लेवल एक्शन सीन्स करती हुई दिखाई देंगी। फिल्म में सिर्फ एक फ्लैशबैक सीन होगा जिसमें काफी सारे इमोशंस दिखाई देंगे। सिर्फ उस प्लॉट के अलावा पूरी फिल्म में इमोशंस के लिए कोई जगह डायरेक्टर ने नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए क्या सलार की ये ओनली एक्शन नो इमोशन थ्योरी पास होगी या फिर? या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्में अब देख दो काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको तो बताइए क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट फिल्मी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।